बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास बाम्बू का कलम अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कैसे लिखें। तो देखिए, शौक़ जो होता है वो इंतहा तक ले जाता है। अगर आपको लिखने का वाकई शौक़ है तो आप एक पेंसिल ले लीजिए या कलर पेंसिल ले लीजिए। आप इसको सेम बाम्बू की तरह कटिंग करके लिखना शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं वही पेंसिल किस तरह से तराशी जाती है वो बता रही हूँ, और साथ ही अलिफ़ और बा की प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कलर पेंसिल से भी लिख सकते हैं। हमारी इस कलम की नोक सीधी तरफ होंगी ताकि हम उर्दू कैलीग्राफी आसानी से कर सकें। कलर पेंसिल की लीड जो होती है बहुत नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे थोड़ा प्यार से तराशना ज़रूरी है, वरना ये नोक कट हो जाएंगी। अब इस नोक को थोड़ा सा पेपर पर हम घिसेंगे ताकि इसमें चिकनाई आए और लिखने में आसानी पैदा हो। अलिफ़ लिखने के लिए हमें 6 कत बनाना होते हैं, जिसे हम डॉट भी कहेंगे। जो लोग नए हैं, जिन्हें खताती के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें कत नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि 6 नुक्ते हमें बनाना है स्ट्रेट, जिसकी वजह से हम बाद में इससे अलिफ़ बना सकते हैं, यानी 6 कत का हमें अलिफ़ लिखना है। अब इस अलिफ़ के ऊपर हमें एक छोटा सा ताज पहनाना है, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। अब मैं बा लिखने जा रही हूँ। देखिए किस तरह से मैंने इसमें 1.5 नुक्ते लगाई हूँ। बे की जो आड़ी लाइन है उसे हम 6 कत का बनाएंगे, या 5 कत का भी बना सकते हैं। बा की जो गहराई है वो 1 कत है, इसे हल्का सा हम टेढ़ा लिखना शुरू करेंगे और फिर बाद में सीधा करके गोल कर देंगे। आप तमाम का शुक्रिया जो आपने मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।